और अब बात एप्पल के नए प्रोडक्ट्स की जो वर्ल्ड वाइड लॉन्च हुए हैं और कैलिफोर्निया में एप्पल के ये जो डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में कई नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया। इस प्रोडक्ट के बारे में एनडीटीवी पर विस्तार से तमाम जानकारियां जुटाई हैं टेक्निकल गुरुजी गौरव चौधरी ने। जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं उसमें वर्चुअल रियलिटी हेडसेट विजन प्रो, 15 इंच का मैकबुक एयर, मैक स्टूडियो, मैक प्रो, नया ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 17 और चिपसेट M2 अल्ट्रा शामिल है। इन सभी नए लॉन्च हुए प्रोडक्ट की बारीकियों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं टेक्निकल गुरुजी गौरव चौधरी की। आखिर क्या खास है इस लॉन्च हुए प्रोडक्ट्स में और ये क्यों टेक्नोलॉजी की दुनिया में नया मकाम हासिल कर रहे हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं एप्पल की सबसे बड़ी लॉन्चिंग विजन प्रो की, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया गया है। तो जानते हैं गौरव से कि आखिर क्या खास है विजन प्रो में। This is all new Apple's Vision Pro headset. We all have been waiting about this और अब जब ये finally launch हुआ है हमें मिल गई हैं सारी details की what kind of features it has. यहाँ पे total 12 cameras हैं, 5 different kinds of sensors, it has 6 microphones, it has got an Apple M2 chip paired with the brand new R1 chip, runs on Vision OS, battery pack है वो 2 घंटे तक चलता है, otherwise if you want to use it full day, you can plug it in. यहाँ पे इतने सारे features हैं, it's kind of a complete technological masterpiece with even an external display on the front, जो आपका एक digital version सामने present करने वाला है. You can use it for movies, you can use it to click 3D photos and videos, and basically you can play those photos and videos back in this. तो basically जो आपकी main life है उसको आप forever के लिए save कर सकते हैं, you know, you can have all your 3D world in place. साथ में अगर आपके फोन की गैलरी में कुछ पैनोरामिक शॉट्स हैं तो यू कैन एंजॉय एज इफ यू आर एट दैट प्लेस जहां से वो शॉट लिया था. बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं इसमें. आई मीन अवेलेबिलिटी इज अर्ली नेक्स्ट ईयर, सो वी हैव टू वेट टिल द टाइम टू एक्सपीरियंस ऑल दीज फीचर्स. प्राइसिंग स्टार्ट्स एट $3,499. इंडिया की अवेलेबिलिटी मोस्ट प्रोबेबली इज गोना बी लेटर नेक्स्ट ईयर एंड इंडियन प्राइसिंग इज गोना बी मोर देन 3.5 lakhs फॉर श्योर. So this is Apple's Vision Pro. It marks a new day, a complete new era to begin with, because यहाँ पे एक अलग टाइप की कंप्यूटिंग की हम बात करने वाले हैं. बेसिकली हमने जैसा आईफोन के साथ दिखा था 2007 में, दिस इज एग्जैक्ट सेम मूवमेंट फॉर अ कंप्लीट डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइस, अ कंप्लीटली यूनिक फॉर्म फैक्टर, गिविंग यूजर्स कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पे आप अपने लिविंग रूम में बैठ के एंटरटेनमेंट का मजा ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप इसमें बेसिकली एक मल्टी मॉनिटर सेटअप की तरह पूरा अपना कंप्यूटिंग का जो है काम वो भी कर सकते हैं जस्ट बाय वियरिंग दिस हेडसेट. और मजे की बात, टू कंट्रोल एवरीथिंग जस्ट हैव टू लुक अराउंड एंड सेकंड यू कैन यूज योर हैंड एज एन इनपुट मेथड. बहुत इंट्यूटिव डेमोज थे, काफी सारे हमको फीचर्स के बारे में मालूम चला है, बट वी हैव टू वेट टिल नेक्स्ट ईयर टू कंप्लीटली एंजॉय एंड एक्सपीरियंस एप्पल्स विजन प्रो. बट फॉर अ फैक्ट, इफ यू आर समवन हु लव्स एंटरटेनमेंट, हु लव्स ऑन द गो कंप्यूटिंग, सो दिस with kind of total resolution of 23 million pixels, more than a 4K display per eye is going to give you all the immersive experience. साथ में special audio भी है. बहुत सारे interesting features हैं in this Apple's Vision Pro. I mean, this is the highlight of the day at Apple's WWDC 23. और विजन प्रो के बाद अब बात करते हैं मैकबुक एयर की. नया मैकबुक एयर भी सुर्खियों में बना हुआ है. 15 इंच का है ये मैकबुक एयर. टेक्निकल गुरुजी गौरव चौधरी से सुनिए कि क्या अलग है पहले से और क्या है इसकी खासियत. We got multiple new Mac machines, starting with a 15-inch MacBook Air powered by the Apple Silicon M2 chip.
आई मीन दिस इज क्वाइट सिमिलर जो हमने देखा है अभी तक, जो हमने यूज किया था एप्पल मैकबुक एयर विद एम टू चिप, बट द साइज वॉज ऑफ 13 inches. अभी ये बढ़ के 15 inch का साइज हो गया है. काफी स्लीक लैपटॉप है, काफी लाइट वेट भी है. इनफैक्ट दिस इज राइट नाउ द वर्ल्ड्स थिनेस्ट एंड लाइटेस्ट लैपटॉप इन अ 15 inches साइज. और बेसिकली इस लैपटॉप के साथ में खास बात ये है कि वी गोना गेट बैटरी ऑफ अप टू 18 आवर्स. मैकबुक एयर ऑलरेडी एक बहुत अच्छा एफिशिएंट लैपटॉप था और वो अभी और लेवल अप हो गया है बिकॉज द बैटरी कैपेसिटी हैज बीन इंक्रीज्ड गिवन दैट वी हैव दिस 15 इंचेस फॉर्म फैक्टर. बाकी यू नो टॉकिंग अबाउट द पोर्ट्स, यू नो द कनेक्टिविटी, इट रिमेन्स द सेम एज द एग्जिस्टिंग मैकबुक एयर बट जस्ट इन अ बिगर फॉर्म फैक्टर. एंड इन इंडिया द प्राइसिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1,34,900 rupees. मूविंग अहेड हमें मिला ऑल न्यू एंड अपग्रेडेड मैक स्टूडियो. अभी इसमें आ गई है नई M2 Max और M2 Ultra चिप्स एंड काइंड ऑफ यू नो विद ऑल द पावर ऑफ दीज न्यू चिप्स दिस काइंड ऑफ बिकम्स द मशीन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यू नो सम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इन अ हाई एंड डिमांडिंग स्टूडियो एनवायरमेंट. देन दिस Max स्टूडियो इज कंप्लीटली केपेबल विद अप टू 192 GB ऑफ मेमोरी. I mean, just imagine 192 GB of RAM in, you know, kind of a small device, but the kind of performance it packs, it's mind-blowing. Then we had the much-awaited Mac Pro. I mean, this machine kind of completes the transition from Intel to Apple Silicon because now in the entire lineup, if you look at all these machines, everything is powered by Apple's own silicon, and this Mac Pro is the machine for the real pros. And again, the kind of performance we can get because this comes with the M2 Ultra processor as the base, and the base variant has 60-core GPU, but then you can take it to up to 76-core GPU combined with all the power of 192 GB memory, up to 8 TB of, you know, storage. And I mean the form factor, because it's available in both tower and rack configurations, basically this is the machine for the pros. And again, you can attach those, you know, wheels as well, so wo sare kaam aap kar sakte ho. Mac Pro is not for everyone, but then if you are a pro, if you are someone who has to deal with 24 streams of 8K in the timeline while editing videos and stuff, this is the machine for you. तो एप्पल ने नया ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 17 भी लॉन्च किया है. इसमें भी कई नए फीचर हैं जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं टेक्निकल गुरुजी गौरव चौधरी. मूविंग अहेड वी स्पोक ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर्स, जहां पे हमें मिले नए नए ऑप्शंस इन द iOS 17 विद द न्यू नेम ड्रॉप, जो कि एक बहुत ही इजी तरीका है कॉन्टैक्ट शेयर करने का. या फिर हम बात करते हैं अगर नए कॉन्टैक्ट कार्ड का, तो वो एक नया अपडेट आया है. एक नई जर्नल ऐप आ गई है. सीरी से अगर आप बातचीत करते हैं तो अभी आपको हे लगाने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली से सीरी एंड कंटिन्यू विद योर थिंग्स. साथ में हमारे पास में एक नया मोड आ गया है इन नाइट. बेसिकली इफ यू कीप योर iPhone on a charging system in kind of, you know, एक लैंडस्केप ओरिएंटेशन, तो यहां पे अभी एक नया मोड आ गया है जहां पे आपको सारे अपने शॉर्टकट्स वगैरह मिल जाते हैं. तो दिस अगेन इज एन एडिशन. और इसके अलावा और बहुत सारे हमको अपडेट्स मिले हैं. मैसेजिंग में काफी सारे अपडेट्स मिले हैं विद द न्यू स्टिकर्स. iOS 17 में बहुत सारे फीचर्स पैक किए गए हैं. इसी के साथ फिर हमने बात की नए iPad OS के बारे में, जहां पे अभी इंटरैक्टिव विजिट्स वगैरह भी आ गए हैं जो एक्सपीरियंस को और एलिवेट करते हैं. कंसिडरिंग यू नो ऑल द ऑप्शंस दैट वी सॉ इन द iOS ऑलरेडी कमिंग टू iPad OS, तो ऑप्शंस वहां पे बहुत ज्यादा हैं एंड जो प्रोडक्टिविटी है iPad की वो और एनहांस हो जाती है. फिर हमने बात की ऑल न्यू Mac OS Sonoma के बारे में. एप्पल हर बार कैलिफोर्निया के अलग अलग आइकॉनिक लोकेशंस के ऊपर नाम रख देता है, तो अभी वेंचुरा से बढ़के हम निकल गए हैं Mac OS Sonoma की तरफ, जहां पे अगेन हमारे पास में बेसिक स्क्रीन पे वॉलपेपर्स के साथ साथ ब्लेंड होते हुए विजेट्स का ऑप्शन आ गया है, जो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को और एनहांस कर देता है. और इसी के साथ में जो यू नो सीमलेस हमको फीचर्स मिलते हैं ऑफ ऑल दीज एप्स, द गेमिंग थिंग हैज बीन एनहांस्ड एज वेल. तो Mac OS बिकम्स अगेन अ नॉच अबव इन टर्म्स ऑफ यू नो टेकिंग द कंप्लीट एक्सपीरियंस टू अ नेक्स्ट लेवल एंड स्पेशली द प्रोडक्टिविटी ऑफ इट. इसके अलावा फिर हमने बात की इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, यू नो वी गॉट ऑल द अपडेट्स, फॉर एग्जाम्पल द अडेप्टिव EQ इन द एयरपॉड्स, या फिर इसके साथ साथ में अपडेट्स फ्रॉम एप्पल टीवी. ये सब चीजें हमको देखने को मिली हैं. एंड देन इन द लेटेस्ट वॉच OS 10
हमें नए नए वॉच फेसेस के साथ में काफी सारे और अपडेट्स मिल चुके हैं, जहां पे जो कंप्लीट एप्पल वॉच का एक्सपीरियंस है वो एनहांस हो जाता है।